हम केवल यह देखते हैं कि 125 को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करना है तो हमें क्या करना है, इसको हमें 100 या 1000 बनाना होता है। तो यदि इसी संख्या को मैं 8 से गुणा कर दूं और 8 से भाग दे दूं तो इससे हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिएगा यहां पर, देखिए इसको मैं क्या करूंगा, 8 से गुणा करूंगा तो मुझे पता है जब इसको हम 125 को 8 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 1000 बनता है। ये तो तय है क्योंकि 125 गुना 8 मतलब 1000 और ये हमेशा है। तो यहां पर देखिए हमने 8 गुना 8 किया था क्योंकि ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये वाला 8 तो इसको 1000 बनाने में चला गया, ये वाला 8 बचा है तो ये क्या करेगा इसको 64। तो यहां पर कितना बचा, केवल 8, इनको आपने गुना किया तो कितना आया 8 है मतलब 8000। याद रखिए यहां पर जरूरी नहीं है कि यहां पर 64 ही हो।